झुंडला में शादी वाले घर में सिलेंडर फटने से आग लग गई, जिसमें काफी सामान जलकर खाक हो गया और छत का लेंटर भी गिर गया। आपको बता दें कि मंगलवार को घर में लड़की की शादी है, उससे पहले परिवार को इस नुकसान का सामना करना पड़ा। करनाल के झुंडला में आज का दिन एक घर में परेशानी लेकर आया। घर में मंगलवार लड़की की शादी है, लेकिन उससे पहले आज सिलेंडर फटने से नुकसान हो गया। परिवार के लोग चाय बनाने के लिए उठे, जैसे ही चूल्हा जलाया उस दौरान एक धमाका हो गया, जिसके बाद घर में आग लग गई, लेंटर गिर गया, काफी सामान जलकर खाक हो गया। जब तक आग बुझ पाती काफी सामान जल चुका था। परिवार के सदस्यों का कहना है कि प्रशासन से अपील है कि उनकी मदद की जाए। चाची बोल रही हूँ, सारी तैयारियां रख रखी थी हमने, कल बारात आने वाली है, तो अब सारा सी सिलेंडर पड़ने के साथ बहुत ही ज़्यादा हमारा नुकसान हो गया। हमारे पास अब कुछ भी नहीं है जो हम अपनी बेटी की शादी कर सके जी, इसलिए यही कहना चाहूँगी कि मीडिया वाले कोई हमारी मदद करे। प्रशासन से भी चाहेंगे कि सहायता होनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ जी, सब कुछ जी, हम यही सोचना चाहे भी हमारी लड़के की कोई शादी में सहायता करे। बहुत ही नुकसान हुआ हमारा, कपड़ा भी था, ज्वेलरी भी थी, सब कुछ था जी। हमने जो लड़की की शादी के लिए सब कुछ करके यहाँ पेटी में रखा हुआ था, तो जो सारा सामान हमारा इसी कमरे में था, मिठाइयाँ भी हमें बनाई हुई थी, जो मिठाई भी सारी हमारी, सारा ही एकदम धमाका हुआ भाई। इसलिए यही कहना चाहूँगी भाई, हम बहुत ही गरीब हैं, तो भाई लड़की की मम्मी भी नहीं है, तो इसलिए हमारा बहुत ही ज़्यादा इस टाइम हम बहुत ही परेशान है, कुछ करने की सहायता नहीं मिल रही है। क्या नाम है आपका? सुदेश जी। की मम्मी यहाँ पे चाय बनाने के लिए आई, तो जैसे चाय बनाने लगी एकदम सिलेंडर लीकेज था और एकदम आग लग गई, और वो अपने यहाँ बच्चे सो रहे थे, एकदम बाहर निकली और आवाज़ लगाई, तभी यानी कि एकदम मकान बिल्कुल एकदम जोर पकड़ गया। सिलेंडर ज़्यादा लीकेज थे, इसके अंदर चार सिलेंडर रखे हुए थे, चार में से एक सिलेंडर ही फट नहीं पाया। जैसे गांव के लोग काफ़ी एकदम एकत्रित हुए और उन्होंने तीन सिलेंडरों को निकाल लिया। एजेंसी के मालिक तभी मौके पे आया, फायर ब्रिगेड आई, पुलिस वाले आए, उन्होंने एजेंसी वाले ने कुछ नहीं पूछा, वो बाकी तीन सिलेंडरों को अपने साथ में उठा के ले गए। हेल्प करने की बजाय उन्होंने अपने बचाव की कोशिश की। चाहेंगे प्रशासन से सहायता की? हम प्रशासन से, जो लड़की है एक मजदूर परिवार से है और इसकी माँ भी नहीं है, मैं सरकार से गुहार लगाता हूँ कि इस सुबह सुबह कल यानी कि 27 तारीख को बारात आने वाली थी और सभी कपड़े वस्त्र सभी इसका जलकर राख हो गया। सब सुबह उठे तो मतलब कि सब चाय के लिए उठे, जो यहाँ पे मेरी बुआ जी है वो चाय के लिए उठी, तो उन्होंने देखा कि भी कमरे के अंदर आग लगी हुई है, तो एकदम हवा धवी मच गई, सब लोग देखे थे भी पता नहीं क्या हो गया क्या हो गया। सिलेंडर को बुझाने की कोशिश की लेकिन बुझ नहीं पाए, क्योंकि सिलेंडर की वजह से हादसा इतना ज़्यादा हुआ कि सिलेंडर ने छत फाड़ दी और जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग गरीब इंसान हैं, हमारी मदद की जाए, और हम तो यही चाहते हैं कि प्रशासन ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सहायता करे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.